सर्वाइवल मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। ये सभी मूवी आप सबको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। ये सभी मूवी एक बार जरूर देखना है। ये मूवी सच में हमें सर्वाइवल करना सिखाएंगी और साथ में हमें एंटरटेनमेंट भी बहुत कराएंगे और ये सभी मूवी बहुत ही बेहतरीन मानी गई है। दी शैलोज, ये मूवी 2016 में आई थी। ये बहुत ही सिंपल सर्वाइवल मूवी है जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वाइवल देखने को मिलेगा। मूवी में आपको नैन्सी एक ग्रेट व्हाइट शार्क के बीच में सर्वाइवल करती दिखेगी। नैन्सी बीच पर आती है चिल करने के लिए और शार्क का सामना करना पड़ जाता है, जहाँ से किनारा तो पास होता है पर वो शार्क से बचकर किनारे तक पहुँचे कैसे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी को देखते देखते आप भी नैन्सी को किनारे तक पहुँचाने के लिए आइडिया सोचने लगोगे। इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग है और इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। मैड मैक्स फ्यूरी रोड, ये मूवी साल 2015 में आई थी। ये बहुत ही बेहतरीन एक्शन मूवी तो ही है, लेकिन सर्वाइवल मूवी में भी इसका नाम आता है क्योंकि बेहतरीन सर्वाइवल बैटल आप सबको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी की कहानी वेस्टलैंड डेजर्ट में दिखाई गई है। मूवी में हमें मैड मैन और मैड वुमन की कहानी को दिखाया गया है जो वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के एक्शन देखने लायक है। इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में आप देख सकते हैं एंड इस मूवी को IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स दी गई है। नो एस्केप, ये मूवी 2015 में आई थी। ये मूवी डिफरेंट तरह की सर्वाइवल मूवी है जिसमें जॉम्बी या एनिमी के साथ नहीं बल्कि ह्यूमंस के साथ ही है। इस मूवी की कहानी एक अमेरिकन फैमिली जो काम के सिलसिले में एशिया शिफ्ट होते हैं उनकी है। वो लोग जहाँ शिफ्ट होते हैं वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है और पूरी फैमिली वहाँ फंस जाती है। वहाँ से बचकर निकल पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक मूवी है, तो एक बार इसे जरूर देखना एंड इस मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग दी गई है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। अ क्वाइट प्लेस, ये मूवी 2018 में आई थी। ये एक बेहतरीन सर्वाइवल मूवी के साथ एक हॉरर मूवी भी है। इस मूवी में आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि अपनी आवाज से सर्वाइव करना पड़ेगा। मूवी की कहानी में दिखाया गया है कि एक परिवार है जो सर्वाइव कर रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ अल्ट्रा सेंसिटिव क्रिएचर रहते हैं जिसने ज्यादातर लोगों को मार दिया है। ये परिवार कैसे सर्वाइव के अलग अलग तरीके निकालते हैं और आखिर में इस जगह पर कौन जीतता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी बहुत ही मजेदार मूवी है। इस मूवी को आप IMAX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग्स दी गई है। The Impossible, ये मूवी 2012 में आई थी। इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एक परिवार सर्वाइव करता है सुनामी में। ये कहानी 2004 में आई इंडियन ओशन सुनामी में सर्वाइव करने वाले एक परिवार को दिखाया गया है। ये मूवी सच्ची घटना पर बेस्ड है। इस मूवी में हमें मारिया बेलोन की सच्ची घटना को दिखाया गया है जहाँ पर वो अपने वेकेशन में थाईलैंड अपने परिवार के साथ गई होती है और अचानक आई सुनामी ने इस परिवार का वेकेशन को इतना भयानक बना देता है कि इस परिवार को सोच पाना भी इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसा और क्या क्या होता है और ये परिवार कैसे सर्वाइव करते हैं इस सुनामी में, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग्स दी गई है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना एंड जितना हो सके उतना अपने दोस्तों और फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।